अपने हिंदुस्तान का इतिहास है, भारतवर्ष का इतिहास आपको सुना रहे हैं, ज्यादा पुराना नहीं। आपने नाथ संप्रदाय का नाम सुना होगा। नाथ संप्रदाय एक बहुत अच्छा संप्रदाय हुआ है अपने भारत का, और नाथ संप्रदाय के संत भी बड़े ही महान तपस्वी हुए हैं। उन नाथ संप्रदाय के आदि गुरु है गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, परम ज्ञानी प्रगाढ़ ज्ञानी संत थे, अनंत अपार ज्ञान उनमें था, बहुत ज्ञानी संत थे। फिर सज्जनों हुआ ऐसा, वो भिक्षांटन कराया करते थे, भिक्षा मांग करके फिर अपने आहार उधर पूर्ति की व्यवस्था क्या करते थे। एक दिन ऐसे ही मच्छिंद्रनाथ जी महाराज एक माई के घर के बाहर चले गए, जाकर के आवाज दिया, आदेश आदेश आदेश। अपने वैष्णव संतों में तो माई भिक्षाम देही आदि बहा जाता है, लेकिन नाथ संप्रदाय में सारी की सारी बात आदेश की भाषा में होती है। जाकर के कहा आदेश आदेश आदेश। घर के भीतर से एक महिला जो बिल्कुल उदास खिन्न दुखियारी दबे पैर, जिसके चाली से जिसके चेहरे से दुख झलक रहा था, वो हाथ में कोई व्यंजन भोजन पदार्थ लेकर के आई। महाराज जी उस व्यंजन को लेने से पहले ही उस मैया से प्रश्न करते, संत बड़े करुणामयी होते हैं, सच्चे संत तो निश्चित ही करुणामयी होते हैं, उनके पास कोई क्लेश नहीं होता। तो संत भगवान ने उसके लेने से पहले ही देने की सोची, और सच्चा संत वही जो लेने का तो बहाना करे पर हकीकत में बहुत कुछ दे करके चला जाए। महात्मा जी ने कहा, मैया तेरे जीवन में कोई दुख है? उस माई ने कहा, हाँ क्या दुख है? कहते महाराज मुझ पर बांझड़ी का आरोप लगा हुआ है, सारे मुझे निपुति निपुति कहते हैं। उस माई की आंखें भराई, बांझ नारी के लिए बहुत बड़ा कलंक है। महाराज जी ने झट अपने झोली में हाथ डाला, बबूत निकाली और वो बबूत रक्षा उसे दे दी कि ले ये खा ले, तुझे बच्चा हो जाएगा। और फिर वो जो व्यंजन था वो लेकर के महात्मा जी चले गए। लगभग 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद वापस गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज उसी महिला के घर के बाहर से जब योगायोग से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनके मन में प्रश्न विचार आया कि मैं आज से 12 साल पहले यहाँ बबूत देकर के गया हूँ, देख तो लो कि मेरे दिव्य बबूत के प्रभाव से किस तरह की संतान का जन्म हुआ है। गए महाराज जी वापस, वही आदेश 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 आवाज लगाई। घर के भीतर से वही महिला उदास खिन्न दुखियारी चेहरों से बदे पैर दबे पैर आई। अब की बार महाराज जी भिक्षा लेने तो गए ही नहीं थे, इसलिए लेने का सवाल ही नहीं। महाराज ने कहा, मैया मुझे पहचाना? महाराज आपको कैसे भूल सकती हूँ? कहते फिर बुलाना बच्चे को, मैं उस बच्चे को देखने आया हूँ कि मेरी बबूत के प्रभाव से किस तरह की संतान का जन्म हुआ है। उस महिला ने गर्दन नीचे झुका ली और उसके चेहरे पर और उदासी छा गई। क्या हुआ, तुझे बच्चा नहीं हुआ? कहते महाराज नहीं हुआ। क्यों, तूने मेरी दिव्य बबूत नहीं खाई? कहते महाराज क्षमा करना, लेकिन मैंने आपकी दिव्य बबूत नहीं खाई, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था, आपकी दिव्य बबूत अगर मैं खा लेती तो अनर्थ हो जाता। महाराज दरअसल सत्य ये है कि जिस दिन आपने मुझे बबूत दी, मुझे सुनाने बोलने का मौका दिया नहीं, जिस समय आपने मुझे बबूत दी थी लगभग उससे 5 वर्ष पूर्व ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, और फिर मुझ विधवा को अगर बच्चा हो जाता तो ये संसार मुझे जीने नहीं देता, इसलिए माफ करना, मैंने वो बबूत नहीं खाई। फिर तूने क्या किया? महाराज जी आपका देहवा प्रसाद था, 2 दिन तक पल्लू पर बांध करके घूमी, फिर किसी संत भगवान के मुख से सुना किस धरती पर सबसे पवित्र गो का गोबर है, तो मैंने ला करके वो गाय माता जी के गोबर में डाल दी। फिर वो गोबर अभी भी संभाल के रखा है महाराज जी, तेरे पास है? हाँ जा ले आ। महिला घर के भीतर गई, अब वो गोबर सूख करके अरड़ा कंडा उपला छाना गोबरी बन चुका था, और उसके ऊपर रखी हुई वो राख अभी भी दिखाई दे रही थी। जैसे महाराज जी के सामने वो सूखा हुआ गोबर उपला रखा, तो महाराज जी ने उस गोबर की तरफ उंगली की और कहा, गो रख, गाय माता जी के गोबर में रखा हुआ गो रख उठ। यू कहते ही उसमें से 12 वर्ष गोरखनाथ जी महाराज श्री का प्रकटीकरण हो गया। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गो सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।